एक दूसरे का मनोबल बढ़ाए रखते जी, जी, जी। और जो मनोबल बढ़ा रहता है तब जानते हैं कि नहीं दुनिया में कोई काम असंभव नहीं। राजगीर में एक बड़े कार्यक्रम की बात की जा रही है, कोई कार्यक्रम हो रहे हैं क्या? अभी तो हमारी कोई जानकारी नहीं है, अभी तो है ही, और हम लोग तो राजगीर में तो कार्यक्रम में करते रहे। ये तो कर्टसी कोरोना की 2 साल से हम लोग वहाँ किए नहीं, तो लास्ट हमारा जो प्रोग्राम हुआ था वो राजगीर में हुआ। वहाँ तो हम लोग कन्वेंशन हॉल की जब शुरुआत हुई थी ना, तो सबसे पहले हम लोग वहीं पर सम्मेलन किए थे। तो आगे भी कार्यक्रम जब भी, खास करके हमारा तो प्रशिक्षण का रहता है, और आप देखिए अभी तो सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री चला रहे हैं भाई, समाज सुधार को लेकर करके वो यात्रा पर निकले। तो समाज सुधार में आप जानते हैं जो भी मुद्दे हैं बहुत प्रासंगिक हैं, और पूरे समाज में सब लोग सुखी से रहें, समाज में सामाजिक सद्भाव रहे, सांप्रदायिक सौहार्द रहे, घरेलू हिंसा में कमी हो, इसलिए जरूरी है इस चीज को लेकर हमारे नेता चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर कल एक ऑफिशियल बयान आया है कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, आपके ऊपर जो पूरी चीजें हैं उसको रखी गई है कि पूरा फैसला सारी रणनीति आरसीपी सिंह जी ही तय करेंगे, कितने सीटों की तैयारी की जा रही है? देखिए एक बात बता दें, कोई भी जैसे हमारी पार्टी जनता दल, जनता दल में हम अकेले थोड़े हैं, सब लोग हैं इसमें, और सब लोगों की इच्छा क्या रहती है कि भाई हमारी भी पार्टी का विस्तार हो और प्रदेशों में भी हमारे लोग चुनाव लड़ें और चुनाव जीतने के लिए। तो हम सब लोगों की इच्छा है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें हम लोग, चूँकि यहाँ बिहार में भी हम लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, तो वहाँ भी हम लोग लड़ें, और जब उस पर निर्णय होगा फिर हमारे उस पर सब विचार करेंगे। क्या सम्मानजनक सीटें होंगी? सम्मान क्या होता है? देखिए संबंध में सम्मान होता है क्या? कोई संबंध होता है उसमें सम्मान और असम्मान की बात कहाँ होती है? संबंध ही मधुर होते हैं, जब संबंध नहीं तो संबंध क्या होता है? संबंध में कहीं पर खटास की बात होती है क्या? संबंध या तो है तो मधुरी होता है। तो हम लोग को इसलिए हम कभी देखते हो आपको बार्गेन करते हुए, हम लोग किसी चीज में बार्गेन नहीं करते, हम लोग हर एक जगह सम्मान के साथ रहते हैं, और जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनको भी हम सम्मान देते हैं। 4 दलों का NDA है बिहार में, और 2 जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, विकासशील इंसान पार्टी है, वो अलग रणनीति उत्तर प्रदेश में बना रहे, कैसे इसको देखते हैं? देखिए होता क्या है ना, हर एक पार्टी का अलग अलग अपना एक उनका पृष्ठभूमि है, आगे उनकी रणनीति होती है, और उसके लिए हर एक पार्टी स्वतंत्र होता है। भाई बिहार में हमारा गठबंधन है 4 दलों का, और उत्तर प्रदेश में अपना अपना सबका है, लेकिन हमारे अपनी हमारी पार्टी की सोच है कि हम लोग को वहाँ साथ में रहना चाहिए। तो ये डैमेज कंट्रोल होगा या फिर इसको बचेगा? क्या चीज का डैमेज? 2 जो गठबंधन के सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में साथ, इसमें डैमेज क्या होगा भाई? ये तो बिहार है वो उत्तर प्रदेश है, दोनों 2 जगह है, तो उसमें कोई डैमेज की क्या बात है? 167 सीट से ज्यादा पे विकासशील इंसान पार्टी चुनावी मैदान में उतरने की बात भाई देखिए होता क्या ना, हर एक पार्टी का अपना अपना, हम लोग का अपना है कि भाई हम लोग लड़ेंगे तो साथ में लड़ेंगे, हम लोग संख्या में नहीं विश्वास करते, हम लोग है कि जहाँ लड़े तो मजबूती चलेगी। जैसे आपने देखा ना पिछली बार हम लोग दिल्ली में लड़े थे, साथ में लड़े थे, 2 ही सीट पर लड़े, हमारे उम्मीदवार नहीं जीत पाए, लेकिन वोट अगर देखिए बहुत अच्छे वोट आए। एक आखिरी सवाल लेंगे, केंद्र में अब आप हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर बार बार सवाल खड़ा हो रहा है, कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि जो पैरामीटर की बात आपके पार्टी के नेताओं ने की, कहा कि पैरामीटर, अच्छा उस पर सुनो, ऐसा है ना, उस पर किस दिन विस्तार से हम लोग बताएंगे, बहुत सारी चीजें, सब लोग को सब चीज के बारे में जानकारी नहीं होती, समझे ना जी, वो बहुत टेक्निकल मामला है, बताइए पैरामीटर बदलना चाहिए। अरे अब उस देखो ये बाइट से नहीं हो सकता, उस बैठोगे ना 1 घंटा जब समझाएंगे तो समझोगे।